हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे 1:30 बजने आ रहे हैं और मैंने सुबह से कोई सूट नहीं किया। बच्चे अभी घर पे है नहीं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो मुझे वो बिल्कुल ही कैमरा जैसे ही लेती हूँ तो जार्विस बोलता है कि लाओ मुझे कैमरा दे दो, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि सुबह से मॉर्निंग से मैं सूट करूँ, पर मेरे से हो ही नहीं रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पे ये जार्विस को उसके दादा दादी के पास रखने गए थे, क्योंकि हम क्रिशा को ले जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को ले बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों बच्चे जब साथ में रहते हैं तो इसलिए हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए हम एक को ही लेके जा रहे हैं। और यहाँ हमारे मेरे जीजू है तो हम, और ये मेरी सिस्टर है, तो हम लोग चारों साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आप फुल वॉच करिए। उसके बाद हम लोग एक चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि मैंने कुछ घर से खा के नहीं निकली थी, इन्होंने भी कुछ खाया नहीं था तो सोचा कुछ खा ले। फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमने कुछ खाया नहीं, फिर मस्का बन और ऐसे ही चावा थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। फिर हमारा नाश्ता हो गया था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और हम जहाँ जा रहे थे और एक बाइक थी जो इन्हें बाइक लेनी थी, तो हम लोग वही देखने गए थे। अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है बाइक लेने का, बट अभी कौन सी वाली हमें लेनी है वो भी हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम अभी सब देख रहे हैं कि हमें अभी कौन सी वाली बाइक लेनी है, तो अभी यही देखने ही आए थे तो सोचा चलो हम लोग यहाँ देख ले बाइक। मेरे हस्बैंड जिनसे बात कर रहे हैं वो इंडिया के फर्स्ट ओनर है, जो ये बाइक जो आप देख रहे हो BMW, तो वो ओनर है उनके, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट ओनर है BMW बाइक के। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाके बोला कि ऐसा कुछ है, फिर मैंने जब यूट्यूब खोला फिर देखा अरे ये तो फर्स्ट ओनर है हमारे BMW बाइक के।
उसके बाद हम लोग जावा के शोरूम गए, तो सोचा वो वहाँ भी देख ले कोई अच्छी बाइक हो। तो फिर ऐसे तो इनके पास ऑलरेडी एक बाइक है जावा की है, तो वैसे तो उन्होंने बोला है कि अभी नई दो बाइक आने वाली है, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा इंतज़ार करो, तो इसलिए देखते हैं। अभी हमारे पास ये वाली बाइक जो आप देख रहे हो ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास जो है वो सिंगल सीटर है, जो कहीं जाना हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम फिर ऐसा कुछ लेने का सोच रहे हैं। उसके बाद हम मॉल में आ गए थे क्योंकि मुझे शूज लेने थे मॉल से, तो वही हम लोग यहाँ आए थे। मुझे कुछ यहाँ अच्छे नहीं लगे, उसके बाद हम लोग रीबुक में देखने गए। फिर मुझे यहाँ रीबुक के जो शूज है वो मुझे इतने पसंद आए, पर मेरा लक ही नहीं था, मेरी साइज ही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा आप, फिर मैं कहीं और भी गई थी पूछने के लिए यहाँ पे पास में, फिर वहाँ पे मेरी साइज़ नहीं थी। फिर हमने कहा ठीक है हम दो दिन के बाद ले लेंगे, और ये इतने अच्छे शूज़ थे, मैं जब आएंगे तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी ये शूज़। फिर हमें पास में ही मेरा हॉस्पिटल था, तो वहाँ मुझे चेकअप के लिए जाना था, तो इसलिए फिर हमने कार पार्किंग में रख दी थी, और हमने जीजू को बोल दिया था कि आप लोग तब तक शॉपिंग कर लो, हम तब तक चेकअप करके आ जाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था हमें, तो ये यहाँ पे सो रहे और ये कहीं भी सो जाते हैं, और काफ़ी लेट हो गया था और हमारा लास्ट में नंबर आया था, सब चले भी गए थे। फिर हमने मेरा चेकअप हो चुका था तो हम लोग निकल गए थे।
रिश्ता की मस्ती देखो। फिर हम वहाँ से कई बार खाना खाने के लिए सोच रहे थे कहाँ जाए, फिर ऐसा प्लानिंग हो गया आधे रास्ते में कि चलो हम हमारे होटल में चले जाए, इस बहाने होटल भी जाना हो जाएगा और ऐसे ही घूम भी लेंगे वहाँ पे। तो इसलिए फिर हम लोग हमारी होटल में चले गए थे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलिए।